किसान आंदोलन का आज एक साल पूरा हुआ। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर फिर जुटने लगे किसान। दिल्ली पुलिस अलर्ट, गाजीपुर बॉर्डर पर फिर लगाई गई बैरिकेडिंग। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किसानों का आह्वान। अयोध्या और बलरामपुर के दौरे पर आज सीएम योगी 3500 जोड़ों के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में करेंगे दर्शन पूजा। संघ चालक मोहन भागवत ने देश के विभाजन पर दिया बयान। विभाजन को बताया कभी न मिटने वाली वेदना। बोले विभाजन का दर्द निरस्त करके ही मिटेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2022 चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। विरोधी दलों को बताया जातिवादी। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर भी साधा निशान। अलीगढ़ में सपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर पोस्टर के माध्यम से तंज कसा। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर साधा निशाना। पोस्टर में लिखा उद्घाटन अब बेचोगे कब। जौनपुर में ओवैसी ने सीएए और एनआरसी पर दिया बयान। कहा जैसे किसानों ने आंदोलन कर तीनों कृषि बिल वापस कराए वैसे ही मुसलमान भी करें सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लगातार दूसरे दिन कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा में कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कल रुद्रपुर दौरे पर थे सीएम धामी। देवस्थान बोर्ड पर फैसला लेने के लिए सरकार के पास 30 नवंबर तक का वक्त। 1 दिसंबर से तीर्थ पुरोहित शुरू करेंगे बड़ा आंदोलन। 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहित मनाएंगे काला दिवस। आपके सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने हरिद्वार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शुरू करेंगे तीर्थ यात्रा रजिस्ट्रेशन। सरकार बनने के बाद फ्री में कराएंगे तीर्थ यात्रा। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने की चुनाव में महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की पैरवी। उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में सत्ता की बागडोर महिलाओं के हाथों में देनी चाहिए।